हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका दोस्तों परीक्षा सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जड़ संधि से इम्पोर्टेंट जितनी भी ट्रिक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जड़ संधि पर। तो अगर आपने जड़ संधि की मैं आपको कहीं भी डाउट है तो आज मैं उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखिए, जड़ संधि के लिए आपको पहले पता है हमें इसको तीन भागों में बांटना होता है और वो भाग है भाग नंबर एक और दो और भाग नंबर तीन। अब देखिए, जड़ संधि का जो रूल होता है वो होता है दो प्लस भिन्न स्वर। दो दूसरे के साथ, दूसरे का अर्थ है छोटी ई से लेकर रीत तक के भाग के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, चाहे वो ऊ भी हो सकता है, बड़ा मु भी हो सकता है, री भी हो सकता है, छोटी ई क्या बड़ी ई क्या कहीं भाग हो सकता है। अब मैं एक चीज आपको डाउट क्लियर कर दूं। देखिए, छोटी ई की जो मात्रा है इसके साथ ऊ भी आ सकता है, तो ये भी जो सेक्शन होगा इसे भी हम क्या कहेंगे, जड़ संधि का भाग ही कहेंगे। देखिए, यहाँ पर भी टू और प्लस टू, तो ये टू का अर्थ भिन्न स्वर से है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देनी है, अगर इस छोटी ई के साथ छोटी ई आ जाए तो भी ये ई किसका भाग है, दूसरे पार्ट का, और ये इस किसके भाग का है, दूसरे भाग का, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो भाग है ये भाग किसका है, दीर्घ संधि का। बात समझ में आ रही है? कहने का मेरा अर्थ ये है कि प्लस के इधर दूसरा भाग तो आएगा, लेकिन प्लस के इधर इसकी ही बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा जब भी आ जाए, इस प्लस इस छोटी ई के साथ छोटी ई की मात्रा अगर आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। चाहे इसके साथ बड़ी ई का मात्रा आ जाए तो भी क्या कहेंगे, हम दीर्घ संधि कहेंगे। लेकिन इस छोटी ई के साथ इससे भिन्न कोई स्वर ऊ आ जाए, री आ जाए, तो ये जो सेक्शन कहलाएगा वो कौन सा सेक्शन कहलाएगा, जड़ संधि का सेक्शन कहलाएगा। आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको ये समझाऊंगा। देखिए, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप एग्जाम हॉल में जड़ संधि के क्वेश्चनों को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर एक हम लेते हैं और वो है सु प्लस आगतम। देखिए, सु प्लस आगतम कौन सी संधि है, आपसे ये पूछा जाए और आपके पास आपके तीन चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि इसकी मात्रा कौन सी है, छुटाऊ की, और इधर कौन सी मात्रा है, आग। अब आप चेक करेंगे कि ओ किसका भाग है, पार्ट नंबर टू का, और ये अ किसका भाग है, पार्ट नंबर एक का, या पार्ट नंबर एक ना क्या है कि हम क्या कहेंगे इसको, भिन्न स्वर। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कह देंगे, इसे भिन्न स्वर कह देंगे। अब आप चेक कीजिए अपने रूल के साथ, टू प्लस भिन्न स्वर, टू प्लस भिन्न स्वर, इससे ये निश्चित होता है टू प्लस जो आगतम है वो कौन सी संधि है, जड़ संधि का भाग है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको डाउट क्या हो जाए, पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, अगला एग्जांपल हम लेते हैं अति प्लस उत्तम। अति प्लस उत्तम, उत्तम इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीख रहे हैं कि हम कैसे पहचानें। देखिए, अति प्लस उत्तम कौन सी संधि है, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, छोटी ई की मात्रा यहाँ पर है और यहाँ पर किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। अब देखिए दोस्त, ये किसका भाग है, पार्ट नंबर ऊ का भाग है, और ये भी किसका भाग है, पार्ट नंबर टू का भाग है। लेकिन इस ई से भिन्न स्वर यहाँ पर है तो हम इसे हम क्या लिख देंगे, कुछ भी, या कुछ भी या भिन्न स्वर। अब आप रूल चेक करिए, टू प्लस भिन्न स्वर, टू प्लस भिन्न स्वर, अतः अति प्लस उत्तम जो है वो कौन सी संधि है, जड़ संधि है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक और एग्जांपल्स, तीन चार एग्जांपल्स आपके साथ मैं शेयर कर दे रहा हूँ जिससे आपको डाउट क्या हो पूरी तरीके से आपके क्लियर हो जाए। देखिए, मधु प्लस आगत, मधु प्लस आगत,
देखिए मधु प्लस आगत कौन सी संधि है, यहाँ पर मधु में कौन क्या लगा है, छोटी उ की मात्रा, और इधर आगत में क्या लगा है, आ की मात्रा। अब आप चेक करेंगे, ये है दो, दूसरा पार्ट है ये, और ये किसका भाग है, पहले पार्ट का चेक कर लीजिए, उ दूसरे भाग का है और आ किसके भाग का है, पहले भाग का है, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, कुछ भी, या क्या कह सकते हैं इसे, भिन्न स्वर। तो हम ये कह सकते हैं कि मधु प्लस आगत कौन सी संधि है दोस्तों, ये एक जड़ संधि का पार्ट है। और भी सारी हम एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस में कर रहा हूं, जिससे आपके डाउट क्या हो बिल्कुल क्लियर हो। देखिए अनु प्लस एषण, अगला है हमारा अनु प्लस एषण। देखिए अनु प्लस एषण, देखिए इस अनु में आपको बताना है अनु प्लस एषण कौन सी संधि है, तो मैं इसकी ट्रिक आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। देखिए अनु में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी उ की, और यहाँ पर कौन सी मात्रा है, ए की। अब देखिए उ किसका भाग है, पार्ट नंबर टू का, और पार्ट नंबर टू के साथ कुछ भी आ जाए, बस इसके विपरीत वाला ना आए, इसकी बड़ाओं की मात्रा ना आए, और कुछ भी आ जाए, यहाँ पे क्या है, ए की मात्रा है, तो हम कह सकते हैं कि अनु प्लस एषण कौन सी संधि है, अनु प्लस एषण कौन सी संधि है, जड़ संधि का भाग है। मुझे लगता है कि अब आपको इन तीन चार एग्जांपलों से ये क्लियर हो गया होगा कि जड़ संधि को हम कैसे पहचानते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम इसको किस प्रकार बनाते हैं, मधु प्लस आगत अगर होगा तो क्या बन के आएगा। तब तक आप अपने घर पर बैठ कर इस लॉकडाउन में आप इसके एग्जाम्पल्स पढ़िए, और धीरे धीरे हम अपने स्वर संधि के जो पाँच भाग हैं उनको लगभग खत्म कर चुके हैं। तो कल से मैं इसके पार्ट नंबर टू पर चर्चा करूंगा, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके साथ हिस्ट्री की एक क्लास मैं अपनी शेयर करूं। प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैनल के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ।